योगेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार फारूक भाई, नमस्कार तो आपको। मध्य मैं बहुत प्रदेश अच्छा हूँ, स्थापना आप दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ा अभिवादन तो आज बहुत यही है। बहुत शुभकामनाएं। जी, 1 नवंबर 2022 का दिन है आज मित्रों, और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों की स्थापना आज के दिन हुई थी, तो इस पर हमको लगा कि बात करनी चाहिए, इस पर कुछ समझना चाहिए, कुछ चीजों पे क्या विश्लेषण करना चाहिए, कुछ विवेचना होनी चाहिए। तो बस इसी को लेके, इस इच्छाओं को लेके हम और योगेश जी साथ हैं। तो योगेश जी, कैसे आज बातचीत करेंगे हम? कितने साल हो गए हमारे प्रदेश को बने हुए, मध्य बहुत प्रदेश को? ये बहुत ही मतलब जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। और आज का दिवस जो है तो पूरे प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जी चारों तरफ पॉजिटिविटी की लहर चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से राजनीतिक स्थित्व बना हुआ है, पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट की स्थिति है, मतलब एक स्थायित्व की स्थिति है। तो उससे कहीं ना कहीं एक विकास को लेके एक एक कंप्लीट मैसेज सरकार से जनता को लगातार जा रहा है। बहुत सारे अखबारों में भरे पड़े हुए हैं कि हमारी जीडीपी जो है देश में सबसे, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है, विकास की दर जिस पर पूरे देश, किसी भी देश की विकास को मापा जाता है, वो हाईएस्ट इन दी कंट्री मान रहे हैं, 19.74 पर जा रही है। हम लगातार कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं, सातवां कृषि कर्मण अवार्ड मिला है हमको। हमारी इरिगेशन की क्षमता बहुत सारी बढ़ गई है। तो ऐसे अखबारों में इस समय लगातार आप देखेंगे सुर्खियों में भरा हुआ है, विकास की पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं। हम लोग लगभग लाडली लक्ष्मी योजना सोशल सेक्टर में लगातार ग्रो कर रहे हैं। ऐसी सी बहुत सारी बातें हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि रोड सेक्टर में हमने अभूतपूर्व विकास कर लिया, यानी कि 2003 में जहां पर हमारे पास केवल 44,000 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी, आज 2022 में 3 लाख किलोमीटर सड़कों के ऊपर हम जा चुके हैं। तो हाईएस्ट ग्रोथ है इन द कंट्री। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो आप मध्य तो प्रदेश कंप्लीटली, रोड में जो ग्रोथ है हाँ वो हाईएस्ट है, मतलब पर ईयर बनने वाला रोड ऐसा कुछ में? बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज फारूक जी जो देखने वाली बात यह है ना कि हमारा जो विकास की जो रफ्तार है वो हाईएस्ट है। नेटवर्क का किलोमीटर कम ज्यादा हो सकता है, नहीं तो वो लेकिन जैसे रफ्तार, देखिए योगेश जी मैं जानना चाहूंगा वो रफ्तार किस आधार पे नापी जा रही है? क्या होता है कि जिस देश को, जिस राज्य या जिस देश का जो बेस है वो अगर नीचे होगा, यानी कि विकास की मात्रा कम होगी, तो जो बढ़ रहा होगा वो बेस के ऊपर बढ़ रहा होगा। तो उसको दर जो कहेंगे ना, यानी कि जो कम विकसित राज्य, कम विकसित देश हैं, वहां पर विकास का जो ग्रोथ है उसमें स्वाभाविक रूप से गति ज्यादा दिखेगी। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड स्टेट हैं वहां पर ग्रोथ का रेट भले ही कम हो, लेकिन ग्रोथ एक लेवल के बाद आके बड़ी मुश्किल से, लास्ट माइल स्टोन जो होता है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब आप विकास की दर की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जो पहले जो अर्जित किया था, पिछले पैमाने वाले 6 साल में जो अर्जित किया था, उससे जो आपकी ग्रोथ हुई है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो आप उस हिसाब से अगर विकास दर की बात करें तो आप 19.74 के विकास दर से सबसे हाईएस्ट हैं। अगर आप सड़क की बात करें तो सड़कों में जो नेटवर्क में जो आपने ग्रोथ है आपका वो हाईएस्ट है। अब ये हो सकता है कि दूसरे राज्यों की ऑलरेडी नोट नेटवर्क पहले से ही स्टैब्लिश्ड है, अब वो सेकेंड लेवल के अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखें तो राज्य अब विद्युत के मामले में ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है, सरप्लस हो गया है, हमने विद्युत का विक्रय करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए पहले राज्य में बिजली हम लोग सब गवाह हैं इस बात के, पहले आती नहीं थी, अब लोग कहते हैं कि जाती नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक इलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक बड़ा ग्रोथ, और ये ऑफिशियल डेटा है जो बताता है। एग्रीकल्चर के लिए किसान के पास 10 घंटे लगातार रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, ताकि हमारा तब जिससे कि हमारा इरिगेशन 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। तो जो सिंचित क्षेत्र है हमारा वो कितना बड़ा है, 7 से 45 लाख बढ़ गया। ये अपने आप में इसके इसके पीछे जो इसके जो सबसे जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सेक्टर होता है, वो उसने मेहनत की है। इवन अगर हम स्वच्छता की बात करें
तो स्वच्छता में हमारी रैंकिंग नंबर वन पहुंच गई, अर्बन में और रूरल में। तो निश्चित तौर पे अगर हम भारत सरकार राज्य सरकार के ऑफिशियल डेटा को देखें तो उससे तो लगता है कि लगातार हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। गरीबी की जो अगर अपन आंकड़ों की बात करें, जो नीति आयोग के एस्टिमेट्स आए हैं वो ये बताते हैं कि केंद्र की गरीबी घटने की दर से मध्य प्रदेश की गरीबी घटने की दर बहुत ज्यादा है। हम लोग 2004-5 में जहां पर 49 पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे संघर्ष कर रहे थे, फिर 32 पे ड्रॉप हुआ, यानी कि 17 पॉइंट हम नीचे आए, जबकि केंद्र में उसी समय पर 37 से 22 आए, मतलब केंद्र से का जो डेटा है गरीबी का वो 15 पॉइंट नीचे आया है, हमारा डेटा लगभग 17 पॉइंट नीचे आया है। तो निश्चित पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है बेसिकली गरीबी को मापने का जो एक सर्टेन जो पैमाना है, जो ये कह सकते हैं कि 49% से 32% पे आए हैं, जबकि केंद्र में 37% से 22% पे गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो डिफरेंस है ना, रेट ऑफ रिडक्शन, जो 17 पॉइंट की जो गिरावट दर्ज हुई है वो राष्ट्रीय स्तर की गिरावट से कम 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 स्थिति है। तो ये जो गरीबी के अनुमान होते हैं उस आधार की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अभी आपने फारूक जी, मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर में आप अभी कई सारी ऐसी क्रॉप हैं जिन पे आप नंबर वन चल रहे हैं, जैसे सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में आप फर्स्ट रैंक नंबर वन कंट्री मतलब, में आते हैं। नंबर वन मतलब आपका जो नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो आपका जो शेयर है वो हाईएस्ट है सोयाबीन में। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत के टोटल उत्पादन में से 59% उत्पादन सोयाबीन का मध्य प्रदेश राज्य कंट्रीब्यूट करता है। दैट मींस रेस्ट जो 41% है वो पूरा देश मिलके सोयाबीन की राष्ट्रीय उत्पादकता में शामिल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इवन ग्राम की बात करें, ग्राम में हम 38% पे हैं। दाल मतलब तो आप वो मतलब पूरे भारत में नंबर 1% पे आ रहे हैं। ऑयल सीड्स की बात करिए, ऑयल सीड्स में आप नंबर 1 पे चल रहे हैं। 21% नेशनल प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 21% आप ऑयल सीड्स पे जा रहे हैं। पल्सेस की अगर आप बात करें तो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय उत्पादकता का 20% पल्सेस मध्य प्रदेश सर्वे कर रहा है, उसमें भी आप नंबर 1 पे हैं। आप मेज की बात करें, मेज में भी नंबर 1 पे हैं। अगर आप बाकी बहुत सारी चीजें जिनको देखें तो आप दूध का उत्पादन को देखें तो दूध का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बहुत अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। लगभग 17,000 या मोटे तौर पे मैं कहूँ लगभग 18,000 मीट्रिक टन उत्पादन मध्य प्रदेश दूध का कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है सर। तो निश्चित तौर पे ऑफिशियल डेटा तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और हमारे पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लेम तो ऐसे हैं कि अब हम बीमारू राज्य नहीं है, लेकिन somehow हमारा जो जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो विकास के चिंतक हैं, वो अभी इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि हम लोग बीमारू राज्य से बाहर निकल गए हैं। अभी अगर हम देखें तो मैं इसमें पहले तो दो करेक्शन कर दूं। ग्राम को मैंने गलती से दाल बोल दिया था, ग्राम मतलब चना होता है, पल्सेस मतलब जब आपने पल्सेस बोला तो एकदम मेरा दिमाग में आया कि वो दालें होती। तो ये बात समझ में आई। सड़क निर्माण में हम आगे हैं और बिजली का जो निर्माण है, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं कि बिजली जाती नहीं है, मगर हाँ बिजली पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूव कर गई है, ये बात से मैं सहमत हूँ। आप ये मैं जितने भी आपको फिगर्स शेयर कर रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल डेटा है। हाँ हाँ हाँ। आपकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि सर्टेन एरियाज हों, जबकि क्योंकि हम एक समय की बात करें जब हम मध्य प्रदेश में ऐसे समय नहीं, नहीं बिल्कुल सहमत हूँ मैं उस बात पर कुछ उसको सवाल नहीं उठा रहा हूँ। और मुझे ये लगा कि जो कृषि उत्पादन के अलग अलग जो उत्पाद हैं उनमें भी काफी अच्छा है। मैं यहाँ पे एक विशेष बात कहना चाहूंगा, जैसे गेहूं का मामला है, सीहोर का गेहूं जो है वो पूरे देश में इस तरह से फेमस है कि आशीर्वाद जो एक फेमस कंपनी है आटा बनाती है, वो अपने इस एडवर्टीजमेंट में इस बात को शामिल करती है कि ये इसमें हमने सीहोर का गेहूं लिया हुआ है। इसी तरह से चावल जो है, चावल धान का कटोरा कहीं दुनिया भर में और मतलब भारत में दूसरे जगहों को कहा जाता है, परंतु हरदा होशंगाबाद इस क्षेत्र के आसपास का धान यानी चावल बड़ा अच्छा माना जाता है। खैर, तो मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ इस बातों को। अब मैं बात को उस तरफ लेके चलते हैं योगेश जी, के ये सब अच्छा हुआ है,
मगर ये जो अच्छा हुआ है इसमें मुझे लगता है ज्यादा बड़े पैमाने पे जो चीज मुझे दिखाई दी, चूंकि हम पहले मान लीजिए बहुत पीछे थे तो हम दौड़ के आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मगर हम अभी हम बहुत लोगों से पीछे हैं, तो ये बात तो उस बात पे आती है क्योंकि हमें आगे देखना है और तरक्की करना है ना, ना कि संतुष्ट हो जाना है। खुशी की बात तो है। तो बिजली और सड़क को मैं इस तरह से देखता हूँ कि हम पीछे बहुत थे तो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों के बराबर बराएंगे। अब आ गई बात की ये किसानों के उत्पादन में, तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि इसमें शासकीय नीतियों का थोड़ा सा योगदान होता है, अदरवाइज जमीन का बहुत महत्व है और उन कर्मठ किसानों का और उनके साथ काम करने वालों का महत्व। मैं आपका ध्यान जरा अब उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि ऐसे क्या क्षेत्र हैं जिसमें हम कमजोर हैं। जैसे एक मुझे दिखाई देता है मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मेरी नजर में किसी राज्य के समीप रखे जाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में एक मंडीदीप को मैं जानता हूँ, दूसरा पीथमपुरा जो इंदौर में है, मंडीदीप भोपाल के पास, इसके अलावा कोई भी वो नहीं है इंडस्ट्रियल मतलब ये यहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो आप कुछ ऐसी चीज बताइए जहाँ पे अभी हमें तरक्की करने की गुंजाइश है, आगे हम करेंगे, कमजोर पक्ष है हमारे जैसे कि। फारूक जी, देखिए, विकास तो एक अनवरत यात्रा है सर। हम कहीं थककर रुककर बैठ नहीं सकते। ये जो अभी आपने कुछ नंबर्स पॉजिटिविटी के सुने हैं, ये तो सिर्फ एक, मैं कहूंगा कि एक विभागीय क्लेम है। वास्तविक जो जमीनी स्थितियां हैं, जो वास्तविक चिंता है सोसाइटी की, उस चिंता से हम कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने डेवलपमेंट में, बहुत मैटर करता है। जैसे अभी मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता का सेक्टर है सर, जहां पर आज भी हमारी स्थिति बहुत निराशाजनक है। हम ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में देश में बहुत बुरे हालात में हेल्थ में दिखते हैं, और आज भी वो कई सारे इंडिकेटर्स जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा के रूप में हम रन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन आज भी हम 77% तक ये ले जा पाए हैं, जब रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में अभी भी 10% माताएं हमारे घर पर ही बच्चों को जन्म दे रही हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। सेक्स रेशो आज भी हम 9.48 तक ही पहुंच पाए हैं 1,000 पे। सिमिलरली अगर हम बात करें, तो अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, जैसे लिवलीहुड की बात करें, तो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मतलब आप इस अभी अगर पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे पिछले एक साल में ही लगभग 5.5 लाख लोग बेरोजगार बढ़ गए हैं। तो आप ये डेटा जो है, कोई ऐसा नहीं है, इसको सरकार ने विधानसभा के में की पटल पटल पे पे, रखा है, इकोनॉमिक सर्वे में विधानसभा के पटल पटल पे पर रखा पे है। रखा है कि प्रदेश, मतलब सेकेंड लास्ट ईयर में प्रदेश में लगभग 24 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, और इस साल वो बढ़ के 30 लाख हो गए। तो इसका मतलब ये है ना कि ये तो ऑफिशियल डेटा है कि हम बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। अब आप इसको अपने नजरिए से, जब आप बाहर अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, अपने दूसरे नेटवर्क के लोगों से बात करते हैं, तो आप खुद ही एक अंदाजा लगाइए कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा विषय होगा, जो कि एक्चुअली में चिंतन का विषय है। तो इसीलिए स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी हो गया, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं सर, जिन पर ठीक अगर है हम बारीक, जैसे कि तो रोड सेफ्टी की बात करें, रोड जी सेफ्टी में सड़क सुरक्षा मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मस्तिष्क पे दाग जैसा है। अगर आप इसको देखें कि जो रोड पे एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद जो डेथ्स होती हैं, मतलब हम डेथ को बचा पाने की जो स्थिति में होते हैं, उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है। अगर आप मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, धार एक जिला है जहां पर देश की सबसे सर्वाधिक एक्सीडेंट के उपरांत होने वाली मौतों के नंबर से सर, धार के, मतलब हाँ, क्योंकि वहां से इंदौर की हाँ एक मैं समझ गया डिस्टेंस उसकी लोकेशन नहीं जिस था, तरह की है। ट्रॉमा केयर सेंटर नहीं है, तो पोस्ट एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज में हम बहुत पुअर स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अवॉइडेबल डेथ्स हैं, हम उनको भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे लॉट ऑफ एरियाज हैं। इसीलिए फारूक जी, मुझे लगता है कि अगर हम सही मायने में मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को अगर हम क्रिटिकल एंगल से देखना चाहते हैं, तो हमें एक ब्रीफ स्वॉट एनालिसिस जैसे किसी एस्पेक्ट को देखना चाहिए, जिसमें हम मध्य प्रदेश की स्ट्रेंथ को बात करें, उनकी वीकनेसेस की बात करें, उनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जो अवेलेबल थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, उनकी बात करें। मुझे लगता है कि स्थापना दिवस पे शायद इस विषय पे बात करना ज्यादा सारगर्भित होगा, क्योंकि ऑफिशियल डेटा अपने आप में एक तरफा तस्वीर दिखाते हैं हमें।
हमको वास्तविक तस्वीर अगर आप देखनी है तो बताएं, हमको आप अगर उस हिसाब से अभी तक आपकी बातचीत में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस तो कुछ कुछ तो समझ में आ गई, हाँ और आगे बताइए आपके हिसाब से और क्या। देखिए, इसमें अगर अपन मध्य प्रदेश की स्ट्रेंथ को देखें तो बहुत सारी हमारे पास बहुत बड़ा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सेफ और स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। करेक्ट, यानी कि एक जब भी कभी कोई निवेश बाहर का मध्य प्रदेश में करना चाहता है तो उसके लिए पहला प्रश्न ये होता है कि क्या यहाँ पर एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की स्थिति है, और इसके अलावा हम एक राजनीतिक क्या एक स्थिरता। राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति दिखती है हम। और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मध्य प्रदेश की ये भी है कि हमारी जो बॉर्डर है वो कहीं कोई कोई किसी दूसरे कंट्री से कनेक्ट नहीं होती है। तो उस स्थिति में अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो हम बड़े स्ट्रेटेजिकली सेफ और स्टेबल प्लेस पर बेस्ड हैं, राइट और राइट हमारे यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो है ना काफी हद तक स्टेबल हैं दूसरे राइट, दूसरे स्टेट के करेक्ट करेक्ट, कंपैरिजन में। बिल्कुल सही है। अगर अगर मध्य प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन लेबर लेबर या ये मैन फोर्स की बात करें, तो हम कहेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश एक्चुअली में कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत ही इकोनॉमिक चीप नॉन डिस्ट्रप्टिव लेबर अवेलेबल कराता है। मतलब हमारे पास बहुत सस्ता मानव संसाधन उपलब्ध होता है है, जो कि अगर अगर हम कहें कि रूरल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो उद्योग हो सकते हैं, फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए जो उद्योग हो सकते हैं, डिक्लाइन अगर इस तरीके से देखें सर, जी तो हम मध्य प्रदेश के लोकेशन को देखें तो हम सेंट्रली लोकेटेड हैं। मतलब हमारे लिए पूरे देश के लिए डिस्टेंस जो है वो सबसे मिनिमाइज है एज कंपेयर टू अदर स्टेट, क्योंकि हम सेंटर में हैं। स्ट्रॉन्ग रेल कनेक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग रोड कनेक्टिविटी है, हमारे पास दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने में दूसरे राज्यों की तुलना में हमें कम समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास सबसे सेंटर पॉइंट पर हम स्थित हैं। इसी तरीके से देखें तो हमारा जो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑयल सीड पल्सेस का उत्पादन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम इसी का वैल्यू एडिशन पे जाएं, अगर हम इसके फर्दर प्रोडक्ट जो रॉ हमारा रॉ प्रोड्यूस हो रहा है इसके वैल्यू एडिशन पे जाएं, तो एक बड़ी अपने आप में स्ट्रेंथ है सर। हमारी लैंड जी फर्टाइल जी है, हमारा फॉरेस्ट जो है नेचुरली हम इवन हम टूरिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, तो मध्य प्रदेश हेवन है सर टूरिस्ट के लिए अगर हम उसको तरीके से यूज कर सकें। तो दीज आर सम ऑफ द एरिया जहां हमारी स्ट्रेंथ है। जी कुछ ऐसी चीजें हैं सर जिनको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, जैसे स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता है सर। जी तो ये दीज आर दी स्ट्रेंथ एरिया। अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करें कि अगर जो हमारी स्ट्रेंथ है क्या हम उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, तो उसको जैसे आप अगर इंडस्ट्रियल मतलब मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कैसे इन्वायरमेंट को बनाएं, अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है तो कैसे हम बाहर के लोगों को अपने साथ जोड़ें, हमारा जो अगर हम टूरिज्म है या लाइफ साइंस इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हो सकती है, फॉरेस्ट का या टूरिज्म का या रूरल टूरिज्म का एरिया है, तो हम कैसे उसको अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करें। ठीक, अगर हमारे पास अच्छा जियोग्राफी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और साथ में बायोडायवर्सिटी में भी रिच हैं हम, तो क्या हम उन परिस्थितियों को अपने लिए अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारे आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निश्चित तौर पर चिंतन का विषय बनना चाहिए कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ से अपनी अपॉर्चुनिटीज को बेटर एक्सप्लोर करते हुए एक बेहतर डायरेक्शन में जाएं। इसके ठीक, अलावा ऐसा नहीं है कि हम केवल अच्छी स्थितियों में हैं, हमारी कुछ वीकनेसेस भी हैं सर। जैसे जी हम एक पोर्ट से दूर हैं, हाँ अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड लॉक लोकेशन है हमारी। जी सिमिलरली अगर हम हमारा बहुत ही जो एचआर तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत लार्ज नंबर ऑफ एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसका जो अभी आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय एम्प्लॉयबिलिटी के जो बाजार है उसमें उसका मिसमैच होता है ड्यू टू सम अदर रीजंस, लाइक हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ बेगा भारिया सहरिया जैसे ट्राइब ज्यादा हैं,
उनका कुछ इंग्लिश का इश्यू भी हो सकता है, जो मार्केट में जो आज जो एम्प्लॉयबिलिटी जो जिन चीजों से मिलती है वो चीजें हमारे पास अभी हमारे एरिया में आती हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाती हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी वीकनेस है आज की डेट में। आज भी हम बहुत अच्छे रोड्स, बहुत अच्छे ब्रिजेस, बहुत अच्छे एयरपोर्ट या बहुत अच्छे रेलवे स्टेशंस को एंजॉय नहीं करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्ति को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उतने सारे साइनेजेस नहीं हैं कि वो आसानी से हमारे यहाँ आके वैसे ही व्यवसाय करके जा सके जैसा जी जी दूसरे राज्यों में। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मतलब, जी समझा मैं जी। इवन हमारा जो टैक्स बेस है मध्य प्रदेश का, अगर मैं कहूँ कि जो टैक्स बेस है यानी कि जो करों का हाँ जो जी रिसोर्स एनवलप है, ये भी बड़ा लिमिटेड है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए वीकनेसेस हैं, और एक इनके चूंकि ये वीकनेसेस हैं थ्रेट इसलिए होंगी। इन्हीं एस्पेक्ट्स जो हैं वो राज्य के लिए खतरे के रूप में आते हैं। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य पे जो खर्चा है वो बहुत जीडीपी के तुलना में 2 से नीचे है, 2% से भी नीचे है। तो हम हाई हेल्थ के इंडिकेटर्स जो है हमारे बहुत वल्नरेबल हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो ऑल काइंड ऑफ बहुत कमोडिटीज का ज्यादा वो बाहर बहुत ज्यादा है। अगर खतरे को देखें हम तो हमारा जो एक जो प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन करके हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हम पैकेज फूड मंगवा रहे हैं, पैकेज चीजें मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी को, हमारे लोकल स्थानीय जो लेबर हैं, जो कम्युनिटी है, उसको और होलो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नया कुछ स्किल सेट डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम सोयाबीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पोटैटो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें ही दूसरे राज्य मिलके वापस उसी को पैकेट करके हमें चिप्स के रूप में कन्वर्ट करके या पैकेज फूड में कन्वर्ट करके हमको दे देते हैं। तो हमारा जो अवसर है यहाँ पे स्किल बिल्डिंग का वो मिस हो जाता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ थ्रेट्स ठीक जिनको बात हमें बारीकी से समझने की जरूरत है। जी। अब अगर इसको देखें कि हमारे पास टूरिज्म की संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एट द सेम हम विकास को भविष्य की कॉस्ट पे तो नहीं कर सकते ना। तो जो फॉरेस्ट है वो इस समय काफी थ्रेट की कंडीशन से गुजर रहा है, जी क्योंकि एक तरफ चैलेंज है उसको जीडीपी में उसके प्रतिशत को बढ़ाने का, तो उसको फिर टूरिज्म के लिए खोलने का। दूसरी तरफ चैलेंज है हमारी बायोडायवर्सिटी को सेफ रखने का, हमारी नेचुरल वैल्यू को बनाए रखने का। तो दीज जी आर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट एरिया जहां तो पर चिंतन योगेश करने जी, की आवश्यकता। मुझे मुझे ऐसा लगा आपने जो स्ट्रेंथ बताई उसमें मुझे स्ट्रेंथ को अगर मैं बकेट करूं तो दो तरह की दिखाई देती हैं। एक वो के लंबे समय से विकास ना होने की वजह से या अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़े रह जाने की वजह से हम वो पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो उस वजह से एक विकसित चीजें दिखती हैं। दूसरी चीज मुझे दिखाई देती है उसमें कि यहाँ के लोगों और विशेषकर किसानों का बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश अपनी छवि बना पा रहा है। स्वच्छता एक इशू है जिसपे अगेन नागरिकों का बहुत जबरदस्त समर्थन दिखाई देता है। मुझे इस आपके तमाम तरह की राजनीतिक स्थिरता और इन तमाम चीजों को कह के मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में दो एक चीजों की स्थिति है जो उसके लिए कमजोरी की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस जैसा देखता हूं मैं यहाँ पे। कभी भी चीजों को लेके विहंगम दृष्टि नहीं होती है। 20-25 साल डॉक्यूमेंट बना लेना और बात है। क्यों ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मगर डिस्ट्रीब्यूशन के या हब हो सकता है भोपाल इंदौर, जहां से आप पूरे देश में सामान ओवरनाइट भेज सकते हैं। मतलब देश का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जो रेल या रोड से सुबह आप वहां सामान नहीं पहुंचा सकते, मगर हब बने हुए हैं। नागपुर में बना है, हैदराबाद में बना है, गुड़गांव में बना हुआ है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो आजकल ऑनलाइन कंपनीज हैं जो सामान बेचती हैं। क्यों नहीं कर पाई मध्य प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल, आप उसकी बात करेंगे। हब शुरू जमाने से मुझे लगता है शायद पीतमपुर में आजादी से पहले भी कोई एक आध इंडस्ट्री रही होगी, फिर हमने उसको बना दिया ऐसे ही मंडीदीप में। कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इनमें एंसिलरीज खुली हुई हैं, यानी बड़ी कंपनियों के छोटे सामान या कंपनी का केवल पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये मुझे बड़ा वो लगता है, इसी कारण से वो वीकनेस दिखाई देती है जिसको आपने अभी रेखांकित किया कि टैक्स बेस कम है। भाई आप टैक्स कृषि पे लगाते नहीं है तो कृषि से तो मिलेगा नहीं, जिसमें आप ठीक हैं। आपको जब तक आपका क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी
कहीं नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, हम सर्विस सेक्टर में नहीं है, कहीं है। आप उसकी बात कर रहे हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं। आप मुझे वर्ल्ड क्लास एक होटल का नाम बताइए मध्य प्रदेश में जिसको हम कहें कि वर्ल्ड टूरिस्ट आके यहाँ ठहर सकता है। आई डोंट कंसिडर इवन इवन अ सिंगल सिंगल होटल नहीं है ऐसा कि जिसको आप वर्ल्ड क्लास कहेंगे। ठीक है, राष्ट्र के मैप पे है, तो ये कुछ चीजें हैं। और मैं इस विकास के पीछे अपनी परिकल्पना जोड़ रहा हूँ, इस चुनौतियों के पीछे, कि मध्य प्रदेश के साथ एक चुनौती ये है कि ये एक इस तरह का है कि इसमें अक्सर और बेशतर लोग बाहर से आए हुए हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर कोई ऐसी ऐसी लाइन नहीं है जो दूसरों से अलग करती हो हमको, तो वी फीलिंग नहीं है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, है ना। आमची मुंबई नहीं है यहाँ, है ना। मराठी मानुष नहीं है यहाँ पे, बंगाली अस्मिता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात कि कोई भाषा कोई सांस्कृतिक हमारा एक ताना बाना कुछ हमें जोड़ता नहीं है आपस में। इस वजह से मैं देखता हूं कि शायद वो एक अलग से उठने की भावना नहीं है कि कॉम्पिटिटिव हो। दूसरी एक चीज मुझे जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि राजनीतिक तौर से कभी भी मध्य प्रदेश में जीतने वाला मादा नहीं दिखाई दिया, सर्वाइवल का अभी दिखाई देने लगा है। तो ये मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता था। ये वो पक्ष है जो आम लोगों की तरह है। आपने काफी सारे तथ्य दिए, मध्य प्रदेश ने बहुत सारी तरक्की करी है, इसको अंडरमाइन कहीं नहीं कर रहे हैं, मगर वो तरक्की में पॉलिसी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, वो चीजें मिसिंग दिखाई देती हैं। और एक चीज और है, उसका मेरे पास कोई आधार नहीं है, कि यहाँ के लोगों में ना जिसको इंग्लिश में होम सिकनेस कहते हैं, वो बड़ी है। बहुत ज्यादा दूर जाके बाहर जाके कुछ सीखना पढ़ना काम करना और फिर यहाँ पे कुछ करना, ये चीज दिखाई नहीं देती है। यही है, चलता है टाइप एटीट्यूड है। तो ये आपने सारे तथ्य बताए और मैंने बिना तथ्यों की कुछ बातें जोड़ी। ओवर टू यू। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये पूरे पैकेज को बड़े गुणात्मक रूप से कंप्लीट करने वाली बात है जो आपकी आपने जो अभी जो ऑब्जर्व किए हैं। क्योंकि देखिए, डेटा एक अलग चीज है और वास्तविकता में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जो आपका प्रश्न है ना कि हम सेकेंडरी सेक्टर में अपेक्षाकृत ग्रोथ क्यों नहीं किए, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपसे, वो ये कि योगेश जी, मध्य अब हम प्रदेश समाप्त करेंगे बातचीत को, है ना जी। ओके फाइन फाइन। तो पॉइंट ये है सर कि मध्य प्रदेश में एक्चुअली में उद्योगों के का विकास ना हो पाने का एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर अभी तक भी अभी भी हम इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए एक कोई ग्लोबल मॉडल को देख रहे हैं। यहाँ पर हम स्थानीय शक्तियों को इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने में अभी भी फेल हैं। जैसे हमारा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम सोयाबीन के, आयल फेट, आयल सीड के, पल्सेस के और जो मिनरल रिसोर्सेस के, हम उन पर फोकस होके इंडस्ट्रीज को ग्रोथ को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि हम अभी भी जो सोच रहे हैं कि गुड़गांव बना दें या हम सिलिकॉन वैली बना दें मध्य प्रदेश को, विच इज एक्चुअली नॉट द केस। हमें अगर बढ़ना है तो हमें स्थानीय समुदाय, हमारा जो अवेलेबल जो रिसोर्सेस है, चाहे वो सुस्त है, चाहे वो स्लो है, चाहे वो ट्राइबल है, हमें उनके साथ में उनकी ठीक बात है, शक्तियों को हार्वेस्ट करना है। ठीक बात है। अदरवाइज हम आत्मनिर्भर तो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी बात ये समझ गया कि अब जो आगे मध्य प्रदेश के सामने जो आपने थ्रेट के तहत भी चुनौतियां बताई, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके अपॉर्चुनिटीज को अचीव कर पाए वो, और थ्रेट से चुनौतियों से बच पाए, और उसके लिए करना यही होगा कि उसे स्थानीय स्तर पे सोच लगाते हुए और अपने हमारा प्लानिंग को फिजिकल देखना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी होना चाहिए। मतलब हाँ हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी होना चाहिए। अगर हमारे एयरपोर्ट वास्तव में इंटरनेशनल हो जाएंगे तो हम वाकई में कुछ कर पाएंगे। आज आपने बात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रखा है, लेकिन आज आपके पास कोई इवन फ्लाइट मध्य नहीं प्रदेश जाती आपकी। से ही कनेक्ट करने की आपकी सुविधा नहीं है। तो ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे में आप सोचें कि आप इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट ठीक लगता बात है। है। तो योगेश जी, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की एक बार फिर से बधाई। हम सब चाहते हैं और तेजी से बढ़े, ये रफ्तार तेजी से बढ़े, और आपको भी बधाई, हमारे देखने वालों को बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 बधाई। शुक्रिया मध्य प्रदेश के साथ साथ उन राज्यों को भी जिनका आज स्थापना दिवस है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।